पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप देखते हैं कि प्रतिदिन आप ग्रह नक्षत्र तिथि वार इत्यादि की चर्चा करते रहते हैं, उसी प्रकार आज जो हम लोग विषय लिए हुए हैं, जो विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह है ग्रह और भ्रमण स्थिति। ग्रह के घूमने का क्रम किस प्रकार है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ज्योतिष में प्रायः हम लोग जानते हैं कि ग्रह नौ हैं और जिसे नवग्रह कहा जाता है, परंतु मात्र सात ही ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, राहु केतु ग्रह नहीं हैं, ये तो मात्र एक छाया ग्रह हैं। अब आपके मन में यह बात आएगी कि पुस्तक में तो आधुनिक विज्ञान है वह है बताता है कि यूरेनस एवं नेपच्यून और दो ग्रह बताए जाते हैं, तो जान लें कि आधुनिक विज्ञान हमारे उन पूर्व के ज्योतिषकारों द्वारा आधुनिक विज्ञान विशेष रूप से इन दो ग्रहों को उन पर निर्भर नहीं बताया गया है, क्योंकि वे बहुत लंबे समय तक कोई 84 बरस तक कोई यानी 200 बरस ऐसे करके बहुत लंबे समय तक एक भ्रमण का काल उनका बताया गया है, अर्थात इन ग्रहों के बारे में विचार नहीं किया जाता है। हमारे ऋषि मुनि उस समय इन ग्रहों का पता नहीं करके बताए थे, मात्र 9 ग्रह ही की ही चर्चा किए हैं, जिसमें 2 ग्रह छाया ग्रह और 7 जो ग्रह बताए गए हैं। अब देखते हैं उपरोक्त ग्रह रातों दिन भचक्र में भ्रमण करते हैं, उनमें से शनि सबसे दूर हैं, इसलिए एक परिक्रमा या 12 राशियों का भ्रमण करने में 10,759 दिनों का समय लगाते हैं, जो लगभग 30 वर्ष होता है। शनि के नज़दीक गुरु हैं, अतः गुरु को एक भ्रमण में समय 4,332 दिनों का समय लगता है, जो लगभग 12 वर्ष का समय होता है। गुरु के समीप मंगल हैं, जो 12 राशियों को एक चक्र लगाने में 687 दिन लगाते हैं। फिर मंगल के समीप पृथ्वी है, जो 365 दिनों में 12 राशियों का चक्र लगा लेती है। इसी प्रकार इसी क्रम में हम देखते हैं कि भ्रमण के समय जो समय लगता है पृथ्वी का, उसे हम लोग वर्ष कहते हैं। इसके समीप शुक्र हैं, जिनका एक भ्रमण समय 225 दिन है। उसके बाद बुध का स्थान आता है, जिसका एक चक्र लगाने में 88 दिन लगते हैं, और सबसे समीप चंद्रमा हैं, जो संपूर्ण राशि को एक चक्र लगाने में 27 दिन का समय लगाते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ग्रह का भ्रमण इस प्रकार है। साथ ही हम लोग यह ध्यान रखें कि हमारे पूर्वजन विद्वान जो हैं, यह माला रूपी तारों का एक समूह को एक राशि के अंतर्गत बताए हुए हैं, अलग अलग राशि के अंतर्गत बताए हुए हैं। 12 राशियों को वो लोग बताए हैं, जो प्रत्येक चरण में एक ग्रह के प्रत्येक चरण में 4 चरण प्रत्येक समय में 4 चरण होते हैं, अर्थात नक्षत्र एक नक्षत्र के 4 चरण 27 कुल नक्षत्र हैं, जिसमें 27 × 4 करेंगे तो 108 होगा, अर्थात 12 राशियां हैं। तो प्रत्येक चरण में को करेंगे तो 108 जब होता है तो 12 भाग में करने पर वो एक राशि जो है वह 9 चरण की होती है। यानी इस प्रकार हम कहें कि 2.25 नक्षत्र की एक राशि हुई।
जब हम इतना जान लेंगे तो हमारे लिए सहज हो जाता है और कौन ग्रह किस राशि में है इसका भी पता चल जाता है और ग्रह का एक भक्त चक्र एक बार भ्रमण करने में कितना समय लगता है इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जब हम सबको जोड़ घटाव करके जब मिलान करते हैं तो यह पता चलता है कि नक्षत्र जो होते हैं वह है किस प्रकार ग्रह हमारे ग्रह के साथ विचरण करते हैं, ग्रह हमारे एक कैसे पार करते हैं, उनका भ्रमण गति कैसे है, कितना दिनों का है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। इन सब बातों की जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कुंडली बनाते समय हमें इन सब बातों की आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद।